हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है एक दूसरे अंदर ब्लॉग पे। तो आज 30 तारीख है 30/5/2024 और आज गुरुवार है और अभी हम है फरक्का के पास, यहाँ लीची लोड करने के लिए आए हैं और अभी हम खाना बना रहे हैं। आज हमारा मेनू में रहेगा खिचड़ी। तो अभी पहले आलू को फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे चावल और दाल सबको भिगा हुआ है। तो मसाला पैकेट है हम लोग का, उधर प्याज कट के रखे हैं। गाड़ी के बगल में ही बना रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा रोड है वो अंदर आए हैं, मेन रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर आए हैं। तो चलिए, आलू तो उसको भुनना हो गया, आलू को निकाल लेते हैं, अभी मसाला बनाएंगे। अभी कढ़ाई में प्याज और सूखी मिर्च इसको अभी फ्राई कर रहे हैं। जो ये हो जाएगा तो अदरक को पेस्ट करके रखे हैं, ये अदरक पेस्ट डालेंगे। अदरक पेस्ट डाल के फिर यहाँ पे हम लोगों का जो मसाला है सब कुछ मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद, मसाला रेडी करने के बाद, उसके बाद चावल डाल सब एक साथ मिला के उसके साथ दे देना है। फिर पानी डाल के उसको पकने का इंतज़ार करना है। तो चलिए, अभी प्याज को भून लेते हैं अच्छे से। अभी चावल और दाल को भी एक साथ में डाल के इसको भी मिक्स कर लिया है। अभी इसको पानी डाल देंगे इसमें। तो चावल में अभी पानी भी डाल दिए हैं और दो अंडा भी दे दिए इसमें, अंडा को भी पका लेंगे। चलिए, अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के अभी इसको पकने देते हैं 30-45 मिनट। हे गाइस, तो लोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है और ये लोडिंग करने का तरीका देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो कट के रखा है, थर्माकोल, ये सब लगा के लोडिंग कर रहा है, क्योंकि माल जर्किंग होगा तो इधर उधर होगा तो मतलब नहीं हिलेगा। इसको लगा के टाइट कर रहा है और साइड में देख सकते हैं वो अगला लगा दिया है। और भी माल आ रहा है कैच से कटिंग होके। तो आज बहुत दिनों बाद हम नदी में आए हैं नहाने के लिए। नदी में पानी भी एकदम देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश पानी है। और फरक्का ब्रिज पड़ेगा उस तरफ पड़ेगा, फरक्का ब्रिज यहाँ से ज़्यादा नहीं है, फरक्का ब्रिज फरक्का भी यहाँ से सामने ही है। तो पानी भी लगता है गहराई है, मालूम तो नहीं है हम लोग, इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं उतरे से। और ये जो नाव है, नाव में वो जाल गिरा रहा है नीचे मछली पकड़ने के लिए। गाइस, तो लोडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, पीछे गाड़ी लाइन बाकी है, ये हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। हम लोगों का 36 घंटे का मंडी लगाना है हैदराबाद को। गाइस, तो बीच में 5-6 दिन मतलब कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा जो बुलारो गाड़ी था पहले, उसका नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए मेरे को सिवड़ी जाना पड़ा था। तो उसी चक्कर में मतलब थोड़ा इधर उधर बहुत भागना पड़ा, इसीलिए वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाए। और अभी हम चौरंगी में हैं, गाड़ी लोड करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी आ गया वापस, यहाँ चौरंगी से यूरिया लोड होगा दुमका के लिए, झारखंड के लिए। ये रहा गाड़ी और सामने रहा चौरंगी मोड़। तो चलिए, यहाँ पीछे इंडस्ट्रियल पार्क से यूरिया लोड होगा दुमका के लिए। गाइस, तो यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर यहाँ तो पहुँच चुके हैं और गाड़ी इधर साइड पे लगा के अभी हम तो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में है मुरमुरा है और तो मिक्सचर है, मिक्सचर से खा रहे। तो विपुल नहीं आया है, तो दूसरा एक भाई आया है, क्योंकि हमारा इधर बंगाल में जो जमाई लोग होता है उनका एक त्यौहार होता है, तो बुधवार को है, आज तो शनिवार है और त्यौहार बुधवार को है। अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो मतलब बुधवार को लौटेंगे या नहीं, इसलिए विपुल नहीं गया। और उसका बीवी का भी थोड़ा शरीर मतलब
थोड़ा बीमार है, इसलिए तो उस भाई को भेजे हैं उधर कंपनी में, देखते हैं गाड़ी कब तक एंट्री होता है, देखते हैं। है गाइस, तो लोड करके हम निकल के आ चुके हैं, अभी मेदिनीपुर सिटी पार करके यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा टायर वायर चेक करेंगे और माल डाले का अंदर ही माल है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और माल है हम लोगों का दुमका का माल है, तो एड्रेस अभी सही से देखा नहीं है कि दुमका में कहाँ का, और दुमका तो हम पहले कभी गए भी नहीं, तो चलिए निकलेंगे अभी। है गाइस, तो कल रात को हम मतलब गाड़ी चलाए नहीं, इधर दुबराजपुर से पहले आके होटल पे आके रुक गए थे, फिर जो पार्टी वाला को हमने फ़ोन किए थे उसने बोला कि गाड़ी खाली नहीं होगा आज, तो इसी वजह से मतलब गाड़ी हमने और खींचा नहीं, इधर से खींच के आ रहे थे, फिर दिन इधर आके मतलब होटल पे रुक गए थे। अभी फ़िलहाल दुबराजपुर यहाँ बाजार पे यहाँ पे रुके हैं, ब्रिज मरवा रहे, तो जो भाई मेरे साथ आया है वो नीचे है वो ब्रिज करवा रहा है, नीचे ब्रिज करवा रहा है, और ये दुबराजपुर बाजार है, पीछे बाएं तरफ रास्ता गया है उधर बस स्टैंड चला गया है, और ये सीधा रास्ता हम सिवड़ी जाएंगे, सिवड़ी पार करके मोहम्मद बाजार से पहले हमको बाएं घूम जाना है मैसेंजर वाला रास्ता होके, वहीं से सिवड़ी से उधर से आपका दुमका रह गया है 60 किलोमीटर, और सिवड़ी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के करीब। तो इस बार हमारा जर्नी है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, खड़गपुर से दुमका का डिस्टेंस ऐसे ही कुछ 280-290 ऐसे कुछ है, एकदम प्रॉपरली दुमका में ही खाली होगा बोला है भारत बेंच, हमारा जो एडब्लू लोड हुआ है गाड़ी में ये भारत बेंच कंपनी का है, पूरा माल ही भारत बेंच का है, 20 लीटर का बाल्टी है। ब्रिज हो जाएगा तो चलिए निकलेंगे यहाँ से, रास्ते में रुक के कहीं पे पानी वानी भी लेंगे, आज तो खाना बना के खाएंगे, कल टाइम नहीं था और उधर कंपनी में खाना बनाने नहीं देता है इसीलिए। है गाइस, तो चलिए जहाँ पे अनलोडिंग होगा वहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे शोरूम है, ये महिंद्रा का शोरूम है, महिंद्रा का शोरूम के अंदर ही उसका अंदर ही मतलब गेट के अंदर उधर ही भारत बेंच का शोरूम है, तो चलिए वो मेरा साथ जो मेरा भाई था वो गया है थोड़ा बाज़ार, उसको भेजे है चिकन खरीदने के लिए, वो चिकन लेके आएगा तो फिर उसके बाद गाड़ी अंदर करेंगे, और आज तो गाड़ी खाली नहीं होगा, खाली खाली होगा क्योंकि आज संडे है रविवार है इसलिए आज गाड़ी खाली नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का बाल्टी है, और भारत बेंच शोरूम का लोगो उधर है, उधर लोगो लगा हुआ है, और ये दुमका शहर दुमका टाउन का रास्ता है, हम लोग तो बाईपास से होके आए हैं, बाईपास पीछे बाईपास है, वो पीछे वो जो ब्रिज पुल जैसा दिख रहा है, वो जो उधर हाइवा गाड़ी भारत बेंच गाड़ी आ रहा है वहाँ पे, उसका ऊपर ही जो ब्रिज है वो बाईपास वाला रोड है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये इधर टाउन की तरफ आया है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग भी अपलोड नहीं किए हैं, तो आप लोग भी अपसेट है मालूम है, चलिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में थे भाई, मतलब जब से गाड़ी ली है कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ प्रॉब्लम मतलब हो ही रहा है, इसके वजह से ही मतलब थोड़ा दिक्कत में है, इसलिए मतलब जब भी घर आते हैं तो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है चलिए, ताकि जब जो भी हो अभी वो भाई आएगा तो गाड़ी को अंदर करेंगे, चलिए इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं दूसरे अंदर ब्लॉग पे, जो लोग चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोग का मतलब इच्छा से हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं।